आप सबका स्वागत है केबीसी की एक नए एपिसोड में। आज हम डिस्कस करेंगे एपिसोड 15 में पूछे गए सारे क्वेश्चंस एंड उसके आंसर्स। सो चले स्टार्ट करते हैं। जो पहला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग डिड महात्मा गांधी कॉल वन ऑफ द यूजफुल थिंग्स एवर इन्वेंटेड, यानी कि इनमें से किस चीज़ के बारे में महात्मा गांधी ने कहा था अब तक आविष्कार की गई कुछ उपयोगी चीज में से एक है। तो सिंगर स्विंग मशीन, एटलस साइकिल, वाटरमैन फाउंटेन पेन और इंगेरसोल वॉच। तो इसका आंसर होगा, जो महात्मा गांधी ने जो कहा था वो है सिंगर स्विंग मशीन। गांधी के मुताबिक ये एक आविष्कार है कि जो कि एक उपयोगी चीज़ में से एक है। और ये गांधी जी उनके जो यंग इंडिया नाम के वीकली आता था 1924 में इन्होंने लिखा था इसमें। और जो न्यूज़पेपर जो गांधी के द्वारा पब्लिश होते थे वो थे नवजीवन जो कि मंथली थे, और उसके बाद आता है इंडियन ओपिनियन, यंग इंडिया जो कि वीकली था, और हरिजन। आपको ये चार याद रखना है, हरिजन, यंग इंडिया, इंडियन ओपिनियन एंड नवजीवन। अगला क्वेश्चन है, हु इज़ द ओनली करेंट एक्टिव ओडीआई क्रिकेटर टू हैव स्कोर 10,000 रन्स इन ओडीआई। तो इसका मतलब है, अभी भी ओडीआई क्रिकेट खेलने वाले किस एकमात्र खिलाड़ी ने अंतर्राष्ट्रीय एक दिवस क्रिकेट में 10,000 रन बनाए हुए हैं, यानी कि रिटायर्ड ना होके हो भी अभी भी वो खेल रहा है और 10,000 रन बना दिए हैं ओडीआई में। वो है हमारे इंडिया की जो कि कैप्टन रह चुके हैं पहले से, वो है एमएस धोनी। और जो एमएस धोनी है, उन्होंने 2007 T20 वर्ल्ड कप इंडिया जो जीता था और 2011 ओडीआई वर्ल्ड कप जो जीता था, इन दोनों में इंडिया की कैप्टनशिप कर चुके हैं। और जो 2011 ओडीआई वर्ल्ड कप फाइनल में इनको मैन ऑफ द मैच अवार्ड भी मिला था। और इन्होंने ओडीआई में 10,000 प्लस रन्स कर दिए हैं, और इनका टेस्ट में भी 4,000 से ज़्यादा रन हैं। और ये इनका जो ओडीआई डेब्यू मैच था ये था बांग्लादेश में, और जो टेस्ट डेब्यू था वो श्रीलंका के अगेंस्ट में था। और जो ये जो पहली प्लेयर है जिन्होंने कि दो बार ICC ODI प्लेयर ऑफ द ईयर अवार्ड, जो पहले बार ये ही पाए थे 2008 में और 2009 में लगातार। और इनको राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड मिला था 2007 में, पद्मश्री 2009 में, पद्मभूषण 2018 में। और जो इंडियन टेरिटोरियल आर्मी है, इनको लेफ्टिनेंट कर्नल का ऑनरारी भी दे चुका है 2011 नवंबर 1 में। पहले ये सिर्फ एक ही क्रिकेटर को मिला था, कपिल देव, और ये दूसरे क्रिकेटर। तो अगला क्वेश्चन है, विच नेशनल पार्क इज द प्रिंसिपल नेचुरल हैबिटेट ऑफ दिस एनिमल, यानी कि कौन सा राष्ट्रीय उद्यान इस जानवर का मुख्य प्राकृतिक वास है। तो ये जो हम देख रहे हैं ये है वार्नहर्न राइनोसॉर्स। तो इनका मुख्य पास है काजीरंगा नेशनल पार्क, जो कि ए वर्ल्ड हेरिटेज साइट है 1985 से, और ये एस्टेब्लिश हुआ था 1908 में। और यहाँ वार्नहर्न राइनोसॉर्स मिलता है। और ये कहाँ, असम के कौन से डिस्ट्रिक्ट में ये नेशनल पार्क आता है, तो ये गोलाघाट नेशनल डिस्ट्रिक्ट और नागांव डिस्ट्रिक्ट, और जो नागांव डिस्ट्रिक्ट से हिमादास भी बिलोंग करती है नागांव डिस्ट्रिक्ट से। और जो इनके जो अदर, और उनको हिमादास को भी धिंग एक्सप्रेस भी बोला जाता है कि इनकी इनकी विलेज का नाम है धिंग। तो अदर नेशनल पार्क है नामेरी नेशनल पार्क जो कि असम में है, ओरांग नेशनल पार्क भी असम में है, मानस नेशनल पार्क भी असम में है। मानस नेशनल पार्क में पिछले एपिसोड 14 में भी क्वेश्चन पूछा गया था, आप चाहें तो देख सकते हैं वो एपिसोड। तो अगला क्वेश्चन है, आस्थमा इज व्हाट टाइप ऑफ डिजीज अफेक्टिंग द लंग्स, यानी कि फेफड़े को प्रभावित करने वाली दमा किस प्रकार की बीमारी है। तो ये जो है ये एक एलर्जिक है, ये एलर्जी से होता है आस्थमा, और ये क्या करता है, नेरो कर देता है एयरवेज को। और आस्थमा कॉजेस रिकरिंग पीरियड्स ऑफ वीजिंग, ए विस्लिंग साउंड व्हेन वी ब्रेथ, सो इट आल्सो टाइटन्स द चेस्ट, शॉर्टन्स द ब्रेथ एंड कफिंग, एंड द कफिंग ऑफन अकर्स एट नाइट और अर्ली इन द मॉर्निंग, रात और सुबह सुबह ये जो खास कफिंग होता है। तो अगला क्वेश्चन है, राज्यसभा डेप्यूटी चेयरमैन हरिवंश नारायण सिंह इज ए मेंबर ऑफ विच पॉलिटिकल पार्टी। जो राज्यसभा की जो डेप्यूटी चेयरमैन है हरिवंश नारायण सिंह, ये कौन से पार्टी को बिलोंग करते हैं। तो ये जो पार्टी को बिलोंग करते हैं वो है JDU, दैट इज जनता दल, जो कि यूनाइटेड, जनता दल यूनाइटेड।
तो इन 2024 नहीं 14 होगा, इन 2014 जनता दल यूनाइटेड नॉमिनेटेड, जनता दल यूनाइटेड जो है ये इनको, ये कौन है, हरिवंश नारायण सिंह जो कि डेप्यूटी चेयरमैन है अभी राज्यसभा की, इनको इन्होंने नॉमिनेट किया था राज्यसभा के लिए, और 2018 में अगस्त 8 में इनको डेप्यूटी चेयरमैन बना दिया गया राज्यसभा का। और ये थर्ड पर्सन है जो कि नॉन कांग्रेस, यानी कि कांग्रेस को बिलोंग नहीं करते, और फास्ट जो 40 साल हो गए आज से लेके पिछले 40 तक हमेशा एक कांग्रेस के ही कोई भी होता था, लेकिन इस ये आफ्टर 40 ईयर्स ये फर्स्ट बने जो कि जनता दल यूनाइटेड से है, और जो JDU का फाउंडर है नीतीश कुमार। अगला क्वेश्चन है, विच एमिनेंट हिंदी ऑथर एंड फ्रेंड ऑफ लोक नारायण जयप्रकाश, लोकनायक जयप्रकाश नारायण रोट हिज बायोग्राफी टाइटल जयप्रकाश। तो किन हिंदी साहित्यकार ने अपने मित्र लोकनायक जयप्रकाश नारायण की जीवनी जयप्रकाश की रचना की थी? तो ये जो थे ये लोग जयप्रकाश नारायण के दोस्त थे, और उनका नाम है रामवृक्ष बेनीपुरी, और रामवृक्ष जो बेनीपुरी है ये इनके दोस्त है, और इनकी बायोग्राफी इन्होंने लिखी है जिसका नाम है जयप्रकाश। और जो जयप्रकाश नारायण को लोकनायक भी बोला जाता था, ये इन्होंने 1965 में रमन मैगसेसे अवार्ड भी जीता है, और भारत रत्न इनको मरणात्मक 1999 में मिला था। तो अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ दिस फेस्टिवल्स ऑलवेज सेलिब्रेटेड ऑन ए संडे, संडे यानी कि इनमें से कौन सा त्यौहार हमेशा रविवार को मनाया जाता है? तो ये जो ईस्टर होता है जो ये हमेशा रविवार को मनाया जाता है, और ये जो ईस्टर क्या सेलिब्रेट करता है, रिसरेक्शन ऑफ जेसस फ्रॉम द डेड, यानी कि ये मृत्यु के बाद भी इनका जो रिसरेक्शन हुआ था 3 दिन के बाद, ऐसा माना जाता है। तो इसके लिए ये ईस्टर मनाया जाता है, और हमेशा ये रविवार में ही मनाया जाता है। और विच एनिमल इज दिस, हम जो ये देख रहे हैं ये कौन से एनिमल, ये जो है ये चैमलियन यानी कि गिरगिट है। तो ये जो गिरगिट है ये अपना, इनके एबिलिटी भी होता है कलर चेंज करने के लिए, तो ये अपना कलर भी चेंज कर रहते हैं, तो गिरगिट के तरह रंग बदलना जो बोला जाता है। तो ऑन 7 जून 2018 विच सेलिब्रिटी ट्वीटेड, आफ्टर मैरिज आई डिसाइडेड टू टेक द जी फ्रॉम माई हजबेंड्स नेम, 1 जी इज गुड एनफ फॉर मी। तो ये जो जो प्रीति जिंता थी, इन्होंने जो मैरिज की थी जिनका भी टाइटल जिनका नाम है जीन गुड एनफ, तो जो गुड एनफ जी है वो जो ये उन्होंने ट्वीट की थी, जो प्रीति जिंता उनके हस्बैंड के नाम थी जीन गुड गुड एनफ, तो इसलिए इन्होंने ये ट्वीट कर दी। 2016 में इनका मैरिज हुआ था। तो विच फॉर्म ऑफ पेंटिंग इज दिस, आप जो ये पेंटिंग देख रहे हैं ये कौन सी फॉर्म की है? तो ये जो है ये मधुबनी है, ये जो मधुबनी और इसको मिथिला पेंटिंग भी कहा जाता है, ये इसका मेनली कहाँ, बिहार, और जो मिथिला रीजन होता है बिहार और नेपाल ये वहाँ प्रैक्टिस किया जाता है। और ये जो फिंगर्स ट्विक्स ब्रशेस निपेंस एंड मैचस्टिक्स को यूज करके ये पेंटिंग किया जाता है, और यहाँ सिर्फ नेचुरल डाई और नेचुरल पेंटिंग ही यूज कर किया जाता है इसको बनाने के लिए। और जो बिहार का जो मधुबनी रेलवे स्टेशन है इसको संपूर्ण रूप से मिथिला पेंटिंग से बना दिया गया है, इसको नया रूप दिया गया है मिथिला पेंटिंग से, तो आपको ये याद रखना है मधुबनी और मिथिला पेंटिंग। तो रेशम पर इस तरह की जरी आमतौर पर किस पारंपरिक साड़ी के पर देखा जाता है? ये जो रेशम के पर ये जो जरी जो होता है ये कौन से साड़ी पर देखा जाता है? ये बनारसी पर रहता है, बनारसी यानी कि वाराणसी, ये सिल्क गोल्डन जो फॉयल्स ये सब ये साड़ी में दिया जाता है, और 2009 में इसको GI टैग मिला जो बनारस ब्रोकेट साड़ी को, तो ये बनारस ही होगा। तो अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ दिस वॉज इंट्रोड्यूस्ड इन IPL फॉर द फर्स्ट टाइम इन 2018, यानी कि IPL में से इनमें से क्या 2018 में पहली बार शामिल किया गया था, जो पहली बार शामिल किया गया था वो डिसीजन रिव्यू सिस्टम, तो जो DRS होता है, जो मजाक में धोनी रिव्यू सिस्टम भी बोला जाता है, तो ये जो होता है डिसीजन रिव्यू सिस्टम ये 2018 में पहली बार IPL में शामिल किया गया। तो अगला क्वेश्चन ये, हु अमंग दिस इज आल्सो नोन एज माउंटेन मैन फॉर हैविंग कार्व्ड ए 110 मीटर लॉन्ग रोड थ्रू द गैलोर हिल ऑफ बिहार, यानी कि बिहार के गहलोर पहाड़ में 110 मीटर लंबी सड़क बनाने के कारण इनमें से कौन माउंटेन मैन के नाम पे भी जाना जाता है? तो माउंटेन मैन को कौन से जो है वो है दशरथ मांझी, तो दशरथ मांझी को माउंटेन मैन बोला जाता है। ये
क्या इनकी जो वाइफ थी इनकी तबीयत खराब हो गई और ये इनको नियरेस्ट हॉस्पिटल को नहीं ले पाए, इसके लिए इनकी इनकी वाइफ जो है इनकी मृत्यु हो गई। तो इसको देखते हुए जैसे आगे की आगामी पीढ़ी किसी को ऐसी असुविधा ना हो, इसलिए इन्होंने पूरा पहाड़ को खोद दिया। तो ये जो पहाड़ जिसलिए ये जो जो डिस्टेंस था, जो वाजिरंग अत्री और वजीरगंज जो गोया टाउन में है, इसका डिस्टेंस 15 किलोमीटर से 15 किलोमीटर हो गया, जिसके लिए जो कि साधारण जनता के लिए बहुत इजी होगा यूज करने के लिए। और ये सिर्फ एक हामर और चिजल यूज करके ही ये बनाए थे इस रोड को। ओके, तो इनको ये माउंटेन मैन भी बोला जाता है। और जो हिल कौन सा है आपको याद रखना, ये गैलोर हिल है। तो अगला क्वेश्चन है, व्हाट इज द स्टेट फ्रूट ऑफ केरला एज वेल एज नेशनल फ्रूट ऑफ बांग्लादेश। तो जो केरला का भी स्टेट फ्रूट है और जो नेशनल फ्रूट है जो बांग्लादेश का, ये कौन है? तो जो जैक फ्रूट है या कटहल बोला जाता है, ये जैक फ्रूट है केरला की स्टेट फ्रूट और बांग्लादेश की नेशनल फ्रूट। और ये जो जैक फ्रूट है ये तमिलनाडु के भी स्टेट फ्रूट है। और केरला जो है वही वर्ल्ड के सबसे ज़्यादा जैक फ्रूट ये प्रोड्यूस करता है। जो जैक फ्रूट है ये श्रीलंका, बांग्लादेश, केरला इन रीजन में बहुत उगाया जाता है। और जो क्वीन पाइनापुल है, इसको जो अभी भी केरला सरकार ने अपना स्टेट एनिमल बनाया है। और जो क्वीन पाइनापुल है, इसको त्रिपुरा त्रिपुरा के गवर्नमेंट ने इसको स्टेट फ्रूट बनाया है, क्वीन पाइनएप्पल को। तो पाइनएप्पल का एक वर्जन होता है क्वीन पाइनएप्पल, तो ये क्वीन पाइनएप्पल है। तो अगला क्वेश्चन है, व्हाट स्टेट ऑफ इंडिया हैड अ डिफरेंट नेम व्हेन इट वाज फॉर्मड इन 2000। तो 2000 में सॉरी वर्ष 2000 में स्थापना के समय इनमें से किस राज्य का नाम वर्तमान के नाम से भिन्न था? तो जो 2000 के टाइम छत्तीसगढ़ छत्तीसगढ़ था, तेलंगाना था, 2014 में फॉर्म हुआ झारखंड, तो झारखंड, उत्तराखंड का नाम उत्तराखंड नहीं था, ये था उत्तरांचल, जो कि बाद में उत्तराखंड कर दिया गया। और उत्तराखंड को देवभूमि भी बोला जाता है, और उनके सीएम है त्रिवेंद्र सिंह रावत। और जो उत्तराखंड है ये यहाँ जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क भी है, तो यहाँ ज़्यादातर मंदिर बहुत ही मंदिर है, ये बहुत ही तीर्थ स्थान है इस उत्तराखंड पर। सो ये है आज का पूरा क्वेश्चंस एंड आंसर्स। तो आपका अगर वीडियो अच्छा लगा आप लाइक कर दीजिए और कमेंट में बताएं आपको वीडियो कैसा लगा और क्या इम्प्रूवमेंट चाहिए और आपको क्या डाटा एक्स्ट्रा चाहिए, तो उसके ऊपर मैं वीडियो बना सकूँ। तो आप सबको धन्यवाद वंस अगेन। और कल हम मैं एक नए वीडियो लाऊंगा जो कि इंडिया के सारे राज्य जो बॉर्डर्स कंट्री से वो कौन कौन से स्टेट के साथ अपने शेयर करते हैं जो बाउंड्री, उसके ऊपर। तो प्लीज़ देखना। थैंक यू।